स्टार्ट mm करें -hmm. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी और मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी शाम की चार बजे वाली क्लास बच्चों जहां पर आपके लिए एक शानदार सा मोटिवेशन कोड आई होप आप सभी जानदार होंगे शानदार होंगे और अपने शिल्पी मैम का इंतज़ार जरूर कर रहे होंगे काफी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई है आ, काफी दिन तो नहीं हो गए संडे की ही छुट्टी थी हालांकि स्टार्ट करते हैं क्लास आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोड है जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी होने लगे जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है इसी जुनून को अपने सर पर सवार रखना है बच्चे क्योंकि आपको कहां पहुंचना है आपको पहुंचना है कहां पर अपनी सिलेक्शन की ओर अपने गोल की ओर अपने लक्ष्य पे आपको पहुंचना है ये बात आप मानकर ही चले है ना तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास बच्चे गुड इवनिंग टू तो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और यहाँ पे सारी बातें हम आपसे करते रहेंगे चलते रहेंगे हाँ जी हरेंद्रा हैं इंदर हैं शिल्पी मैम के झलक सबसे अलग ओ थैंक यू सो मच सौरभ है कलुआ जी हैं माई ड्रीम केदारनाथ रवि सैनी तृप्ति चौधरी हमारे सामने कुणाल है निशु है ओके सोनी है हरेंद्र यादव चलिए भाई तो सारे यहाँ पर मुझे अपने आ, कह सकते हैं हैं चुन्नू मुन्नू प्राणी यानी कि जो है अपने रेगुलर बच्चा पार्टी दिख रहे हैं। अच्छा बताओ चंगू मंगू सीरीज सभी ने देख ली है जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं सभी ने चंगू मंगू वाला शॉर्ट ऑलरेडी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बॉल्स वगैरह लेके आई हूँ और उस पर कुछ प्लान कर रही हूँ तो वो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा चंगू मंगू वाले सीरीज सभी ने देख ली राइट यस मैम हाँ जी मैम देख ली है अच्छा लाइक भी कर दिया मैम <laughs> ठीक है तो देखो उसमें कुछ बहुत जनरल से क्वेश्चंस थे लेकिन वो क्या था फर्स्ट शॉट था हमारा अभी उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना आपके सामने बहुत शानदार जीके जीएस के भी कुछ भी क्वेश्चन में रैंडमली हम पूछ सकते हैं हो सकता है मैथ वाले सर है तो वो मैथ वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो कहने का मतलब ये है और तुम देखना वहां पर मैं कुछ ऐसा कह सकते हैं कुछ ऐसा करूंगी कि हमेशा मैं ही विनर बनूंगी है ना लास्ट में क्या हुआ कि भाई वो कह रहे मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं दोनों नहीं जीत रहे चश्मा करूंगी है ना जीतेंगे प्रमोद सर और मंगू भैया हमारे शिवम सर बिल्कुल 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 चलो स्टार्ट करते हैं है ना आजाइए मैम ग्लासेस मुझे दे दो अच्छा नहीं रवि बहुत बहुत कह सकते हैं ना बहुत <laughs> नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं ले लेना रवि आपसे बढ़के क्या ही है हैं रवि चश्मा तुमसे बढ़के ले लेना तुम हाँ आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने है हालांकि ये झूठ था रवि अगर जो है आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इज इट अ फ्लाइंग मैमल उड़ने वाला स्तनधारी है कौन सा उड़ने वाला स्तनधारी है जल्दी से बताइए कौन सा उड़ने वाला स्तनधारी है जल्दी 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 हाँ जी अपने 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 हिसाब से आंसर कर रहे हैं चलिए क्लियर है ओके तो देखो बच्चों मैमल मैमल होने के लिए आप सब जानते हैं कुछ ऐसा होना चाहिए लाइक वो बच्चे को जन्म देता हो ठीक है है ना वो सबसे पहले बच्चे को जन्म देता हो अंडे को जन... ना जन्म दे के बच्चे को जन्म देता हो साथ में आप सभी जानते हो उसके दिल में चार चैंबर होना चाहिए ये सारे क्या होते हैं ये सारी चीजें होती है किसके द्वारा एक जो है एक मैमल की ये बातें होती है तो देखो मैमल में आपको लगता है बस हम ही हम ही स्तनधारी बस ह्यूमन ही स्तनधारी है नहीं बच्चे ह्यूमन है आप डॉल्फिन हो गया ठीक है डॉल्फिन है है ना और ये जो है बैट चमगादड़ हो गया यह बच्चा ब्लू वेल आई ये सभी आप सब याद रखेगा ये सभी क्या होते हैं शेर हो गया शेर बंदर ये सभी मैमल्स में आते हैं ठीक है तो ये क्या है ये बैट है उसके छोटो छोटो से चुन्नू मुन्नू है तो ये क्या है ये एक मैमल है ठीक है ये क्या है एक मैमल है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या कहा जाएगा बैट यानी चमगादड़ आपका यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या जाएगा राइट होने वाला है ठीक है डी ऑप्शन चलिए जी शो रिजल्ट करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे ओ भाई शाह बहुत शानदार 98 एट परसेंट से शुरुआत हुई है और मेरी आपसे हाथ जोड़ के यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा इसे नाइनटी से एट में कन्वर्ट नहीं करेगा अदरवाइज आज आपकी पिटाई निश्चित है ठीक है अदरवाइज आज पिटाई निश्चित है ना चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए आज हम नाम नहीं देख पाए लेकिन अगले क्वेश्चन में हम नाम देखेंगे आज आई अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑक्सीजन लेबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि जो भाई क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर से ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल या एटमॉस्फेयर से हां जी आप सब जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो हमें क्या मिलती है ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके प्रकाश संश्लेषण करके हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार करते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है तो देखो पूरा फोटोसिंथेटिक अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यहाँ पे दिखाऊँ बच्चों तो ये है अपना फोटो रिएक्शन ठीक है होता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है आपस में मिलते हैं वहां से जब इस और किसके प्रेजेंस में यहाँ पे सनलाइट होता है हमारे सूर्यदेव और साथ में क्लोरोफिल ठीक है पेड़ पौधों का जो क्या होता है क्लोरोफिल होता है

आपसे पूछा जा रहा है हाइवरनेशन हाइवरनेशन की अवस्था में मेढक निम्नलिखित में से किस द्वारा प्रतिक्रिया करता है ठीक है आपसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग हाइवरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग Only heart, only lungs, only skin, both lungs and skin. Hibernation क्या होता है मैम सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है एक शब्द है यहाँ पे hibernation, ठीक है मैम ये hibernation क्या होता है देखो बच्चों जो hibernation है ना ये एक ऐसी अवस्था होती है जब मेढक निंद्रा अवस्था में एक तरीके से कह सकते हैं कि मेढक ना निंद्रा अवस्था में चला जाता जब है जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं तो क्या होता है मेढक जो है कहीं जाके ऐसे ही पड़ा रहेगा और आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा वो मर

मैंने कहा था कि 98% को 8% में मत बदलना है ना 98% को 8% में मत बदलना तो वही काम यहाँ पे हुआ है ठीक है 98% को सीधा 8% में बदल दिया गया है है ना चलिए भाई क्लियर है हां जी बदल दिया गया है ना तो इसीलिए जो है हे hey प्रभु हे hey हरी राम ये क्या हुआ ये नौ प्रतिशत आ गया यही हुआ <laughs> आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है आप अगर एग्जाम देने गए हैं वहां फिजिक्स का नामो निशान है फिजिक्स वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यूनिट से क्वेश्चन ना पूछे ये हो नहीं सकता है ना तुम्हें मेरी याद आए हो नहीं सकता और यहाँ पे कहते हैं बच्चे कि यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चन ना पूछा जाए ये भी नहीं हो सकता तो आंसर यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि भाई कौन सी ये क्या है भाई यहां पे वेक्टर जुडोनिक क्या है भाई ये हां वेक्टर यहां पे क्या आएगा क्वांटिटी आ जाएगी क्वांटिटी आ जाएगी राइट तो आंसर पे बताइए इनमें से कौन सी एक है क्या मैम बताते हैं क्या देखिए नोट्स में लिख लीजिए अधिश राशिया है एक्सलरेशन हो गया ठीक है ना वेलोसिटी आ जाए मोमेंटम आ जाए मोमेंटम आपसे पूछ ले लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है या बच्चा आपसे फोर्स पूछ ले ठीक है फोर्स पूछ ले टॉर्क पूछ ले ये सभी सदिश स्केलर में आपका क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा बच्चा स्पीड हो गया है ना एक प्रेशर प्रेशर बहुत कंप्र प्रेशर याद रखियेगा प्रेशर एक स्केलर है अच्छा इलेक्ट्रिक करंट बता दीजिए क्या है इलेक्ट्रिक करंट याद रखेगा स्केलर है ठीक है इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है ये या आपको याद रखना ठीक है तो ये चीजें एग्जाम में याद रखिएगा कौन सी सदिश राशियां कौन सी अदिश ठीक है ऑप्शन डी इज राइट है यहाँ पे डी के साथ यहाँ पे हम शो रिजल्ट देंगे शो रिजल्ट करने में 82 अगेन यहाँ पे बहुत शानदार परसेंटेज का बूस्ट अंश पांडे और मजनू लास्ट में यहाँ पे 48 अनुसूया यहाँ पे आंसर सही कर रहे हैं ठीक है काफी शानदार है ठीक है चले भाई ब्रो बात करना था आप मुझे आपसे पहले पढ़ लीजिए फिर ब्रो से बात कर लीजिएगा हाँ चलिए द पॉपेंडिकुलर मिनिमम बिटवीन पॉइंट इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा है ना तो देखिए बच्चों देखो बच्चों बच्चो, एक तो ये क्या है एक ए पॉइंट है एक ए पॉइंट है यहाँ पे मैं ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, गई। यही यह वाला पॉइंट यहाँ बना लो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ऐसे गई। इस पॉइंट पहुंची तो तो ये तो मेरी डिस्टेंस है, ठीक है? ठीक दूरी। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक निश्चित दिशा में यहां से उठ के सीधा यहाँ एक डायरेक्ट एक निश्चित दिशा में चली गई तो इसे क्या कहेंगे दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही जाएगा चूहे वाली कहानी से मैंने समझाया था कि चूहे को रोटी चाहिए अब अगर रोटी क्या है वो अंदर अंदर जाके मिट्टी के रास्ते से दूर तो रोटी उसको बहुत दूर मिलेगी है ना उसको रोटी बहुत दूर मिलेगी और बहुत टाइम लगेगा तो वो डिस्टेंस है और अगर छलांग लगा के चला जाता है तो उसे रोटी फटाफट मिल जाएगी ये मैंने आपको रोटी के एग्जाम्पल से समझाया था राइट तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा नाइनटी परसेंट पे सही है अपंडित और यहाँ पे है सिद्धार्थ नीति गहलोत सोलं खुशी बाबू भैया हेरा पेरी से शिल्पी मैम की झलक सबसे अलग नितेश प्रीति स्वाति है ना विश्व रंजन यहाँ पे सही खेल रहे हैं है ना चूहा कहाँ से आ गया अब अरे चूहे वाला एग्जाम्पल दे समझाया था प्राणी चूहे वाला एग्जाम्पल देके समझाया था मान लो यहाँ पे चूहा है ठीक है ये चूहा हालांकि ऐसा चूहा नहीं होता ये चूहे की रोटी हालांकि ऐसी रोटी भी नहीं होती अब चूहा यहां से जाएगा तो ये डिस्टेंस है चूहा सीधा चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला एग्जाम्पल दिया था ठीक है जाओ अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट पॉसिबल कौन सा कह रहे मैम ये बात तो ठीक थी कि आपको तावे पे गोल रोटी बनानी नहीं आती है ना चकले पे बनानी नहीं आती लेकिन मैम आप बोर्ड पे भी गोल रोटी नहीं बना सकते ये उम्मीद तो नहीं थी है ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट 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 जी चलिए मैम खट्टी टॉफी खाई इतनी पिटाई करूंगी रोज खट्टी टॉफी नहीं खाती हूँ बहुत महंगी आती है वो जल्दी बताओ आंसर चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है एक आप देखिए हमने कहा था दो कट लगाइए एक इधर है एक इधर है एक, एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे यहाँ भी चेंज है यहाँ भी चेंज है ये ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पे दो कट लगाएंगे यहाँ पे दो कट लगाएंगे ठीक है इस तरीके से मिलाएंगे दो चेंज यहाँ पे भी है ठीक है अब देखो यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखो इस वाले ग्राफ में क्या कह रहा है इस वाले ग्राफ में क्या कह रहा है बच्चा ध्यान से सुनेंगे सारे इस ग्राफ में कह रहा है कि भाई टाइम कॉन्स्टेंट और पोजिशन बढ़ती जा रही है क्या ये पॉसिबल है कि टाइम कॉन्स्टेंट हो और क्या हो भाई आपकी पोजिशन बढ़ती जाए मतलब आप एक सेकेंड में यहाँ भी थे क्या ये पॉसिबल है कि एक सेकंड में मैं यहाँ भी हूँ मैं अपने घर पे भी हूँ और मैं जो है क्या कर रही हूँ अपने कॉलेज में भी हूँ क्या भी ये पॉसिबल है नहीं मैम दिस इज नॉट पॉसिबल है ना कि एक सेकंड में हर कोई हर जगह पहुंच जाए ठीक है याद रखिएगा बच्चों इस दुनिया में सबसे तेज आप सब जानते हैं लाइट भागती है ठीक है प्रकाश बहुत तेज भागता है लेकिन प्रकाश की भी स्पीड कितनी है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है यह भी तीन लाख जो है अगर हम बात करें तीन लाख किलोमीटर भागेगा और वो भी वहां भी एक सेकेंड का टाइम लग जाएगा तो कहने का मतलब है कि लाइट भी इतनी तेज नहीं भाग रही है कि वहां पे टाइम कांस्टेंट हो लाइट भाग जाए तो याद रखिएगा कि टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता तो दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता राइट तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है श्योर sure रिजल्ट कर देंगे चलिए तो आंसर यहाँ पे थर्टी सिक्स परसेंट यहाँ पे आपका सही है ठीक है सिद्धार्थ मजनू ठीक है पत्तू दादा अंश सुनील लव यादव सूरज और यहाँ पे है कौन है शुभ आ गए हैं ठीक है शुभ यहाँ पे लास्ट में है क्लियर है चलिए भाई आज आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे अगले क्वेश्चन को की बारी है जो आपको करना है पूछा जा रहा है टू गेट द पीओपी द जिप्सम हीटेड एट पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कितना गर्म करना पड़ेगा तीन से चार दिन पहले बताया था हाँ जी बताइए पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कितना गर्म करोगे हुँ हुँ हुँ। क्या सही आ जाएगा हाँ चलिए बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं आप सभी बी ऑप्शन मैम सही जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे कितना गर्म करेंगे भाई प्राणी 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे आंसर बी ऑप्शन आपका यहां पे सही चला जाएगा ठीक है जिप्सम आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ठीक है

हाँ जी फोर्स ऑफ ट्वेंटी लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द द वर्क डन बाय फोर्सेस एक पिंड पर बीस न्यूटन का बल कार्य करता है और इसे बल की दिशा में दो मीटर विस्थापित किया जाता है तब बल द्वारा लगाया गया किया गया कार्य मेजर ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व कर रहा होगा ना तो कह लेना तुम ये मान लेना तुम सबसे बड़े मूर्ख हो ठीक है इस क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो आप मान लीजिएगा आप मूर्ख है, आप सभी जानते है पूछा क्या यहाँ वर्क. वर्क है? है, है? जिस, जिस पे जूल है गलत है क्या यहाँ पे जूल है गलत है आंसर हाँ आपका डी ऑप्शन फोर्टी जूल ठीक है क्लियर है बातें सही है, है ना तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा डी के साथ ही शो रिजल्ट करेंगे पचास प्रतिशत यही मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ लिया करो है ना अब जो ये पचास प्रतिशत गए हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं इनका नाम नहीं दिखा सकती अदरवाइज मैं दिखाती भाई ये इनका आंसर आया होगा चालीस ना ये आगे देखा ना पीछे वाला ऑप्शन इनको पहले दिख गया होगा उसी के साथ लगा के निकल गया सीधा देखो ना किया गया कार्य पूछा गया है फाइंड द वर्क वर्क डन डन यानी आपको यूनिट के साथ खेलना है इसीलिए मैं कहती हूँ खेलनाइज शिल्पी मैम भी नहीं बचा पाएंगे एग्जाम में है ना आइए आंसर यहाँ पे अंश चंचल नीति सिद्धार्थ मजनू निशु रवि प्रीति शर्मा यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं ठीक है क्लियर है चलो भाई जाए अगला क्वेश्चन है एक प्राणी आए कह रहे मैम पोल नहीं मिल रहा है आंसर करो पोल खुद से आ जाएगा आपके पास आंसर निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन हां जी अर्कनोलॉजी और एंथ्रोलॉजी एपियोलॉजी या क्लाइंटोलॉजी साइनोलॉजी ठीक है कौन सा है जल्दी से बताएंगे हां जी जल्दी 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 मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन चले बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं आप सभी यहाँ पर बहुत शानदार खेल रहे हैं ड्रीम केदारनाथ भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जाएगा ठीक है एपियोलॉजी साइनोलॉजी पे आपका सही नहीं जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही है यहाँ पे श्योर रिजल्ट कर देंगे फिफ्टी सिक्स परसेंट अंश नीति शुभम सौरभ वैष्णवी ये सभी यहाँ पे सही आंसर जो है दे रहे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से बताइए इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है ठीक है बताएंगे जल्दी से इंसुलिन एक हार्मोन है याद रखिएगा इंसुलिन एक हार्मोन है ठीक है जो क्या करता है मैम जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और क्या करता है मैम

के साथ आप यहाँ पे बिल्कुल सही खेल रहे हैं याद रखिएगा अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो घाव जल्दी नहीं भरते हैं ठीक है घाव जल्दी नहीं भरते हैं तो क्यों पढ़ा रहे हो मैम ये क्यों बता रहे हो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बॉडी में किस मेटल की कमी हो गई कि घाव जल्दी नहीं भरेंगे अब देखो जिंक की कमी तो इंसुलिन की कमी ध्यान से सुनिएगा इंसुलिन की कमी जिंक की कमी हुई तो इंसुलिन की कमी हो गई और इंसुलिन की कमी हुई तो घाव जल्दी नहीं भरते तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस मेटल की कमी हो जाती है बॉडी में कि घाव जल्दी नहीं भरते हैं दैट इज योर जिंक ठीक है जिंक आंसर यहां पे पे बे, बेंटिंग एंड बेस्ट दो 69% अगर यहां पे सही कर रहे हैं यकीन मानिए है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बूस्टा गोस्ट एक्सपीरियंस शिल्पी मैम के झलक माई ड्रीम केदारनाथ सौरभ ज्योति लवी यादव है और रवि है यहाँ पे राहुल है प्रियांशु है विश्व रंजन है साथ में यहाँ पे मिस्टर चौधरी है ठीक है सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं चलिए हाँ जी बिल्कुल 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 आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि भाई क्वीनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बर्क ऑफ ठीक है क्विनिन किसकी छाल से निकाला जाता है नीम हां जी या कैडर आपसे पूछा जा रहा है क्विनिन है एक दवा है बच्चों जो मलेरिया में काम आता है है ना सर्दी खांसी मलेरिया वाला जो मलेरिया है उसमें दवा के रूप में उसके इलाज के रूप में क्योर के रूप में वहां पे एक दवाई दी जाती है दैट इज दैट इज क्विनिन ठीक है अब मलेरिया याद रखियेगा एक जो है एक प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या है बैक्टीरिया है नहीं प्रोटोजोआ से होता है ठीक है प्रोटोजोआ नहीं मैम मच्छर से होता है इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को मच्छर जो फीमेल एनोफलीज मच्छर है ना फीमेल एनोफलीज मच्छर है यही कैरी करती है ढोती है ठीक है तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो आ, कौन क्या करता है कौन आ, मलेरिया करता है तो आप सभी मच्छर बता के मत आना मच्छर क्या करे बेचारा मच्छर तो उसे ढो रहा है लेकिन एग्जैक्ट जो आपके बॉडी में जाके मलेरिया कर रहा है ना बच्चों वो यही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ठीक है तो इसकी जो क्विनिन दवाई है कहाँ से ली जाती है सिंकोना के छाल से इसके बार्क से निकाली जाती है ठीक है आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा देखते हैं भाई कितने परसेंट है चले भाई यही मुझे चाहिए था कि लगभग इस क्वेश्चन में जो बहुत बार मैंने बताया है तो इस क्वेश्चन में मैं चाहती थी कि भाई यहां पे आप सभी 90 प्रतिशत तो तो कर दे टिन, चले भाई, बहुत आंसर है आप सभी का आ जाएंगे अगला क्वेश्चन है ये रहा कुछ इसके फ्रूट्स इस प्रकार आते हैं इसके फ्लावर्स वगैरह अगला क्वेश्चन है आपके सामने के, ब्रोमीन है 35 इलेक्ट्रॉन ठीक है पहले स्टार्ट बोल कर देती हूँ अगर ब्रोमीन के पास 35 फाइव इलेक्ट्रॉन है देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर वी बी दे आर माइनस ठीक है अगर इसे हमने बी आर माइनस बना दिया ठीक है अगर इसे हमने बी आर माइनस बना दिया अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हां जी ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है क्लियर है बातें चलिए ए ऑप्शन मैम ठीक है जी डी ऑप्शन ए ऑप्शन में है कंफ्यूज टोटली कंफ्यूज ओके ऑप्शन चलिए देखते हैं पे कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है तो देखो आप सब जानते हो बी आर का माइनस क्या है हाँ जी बी आर माइनस का मतलब क्या है बी आर माइनस का मतलब ये है कि भाई बी आर माइनस इसका मतलब बस इतना सा है कि इसमें क्या हुआ इसने किसी का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया है पहले पैंतीस था अब एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा हमेशा याद रखिए जितना भी हो उसका क्या करो अपोजिट लगा दो माइनस था मैंने प्लस कर दिया कितना माइनस है एक माइनस तो मैंने एक प्लस कर दिया एक प्लस कर दिया मेरा बन गया थर्टी सिक्स यानी आंसर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही जाएगा यानी आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा चलिए जीरो ऑप्शन के साथ शुभ रिजल्ट कर देते हैं एट्टी थ्री परसेंट आपका सही है अंश नीति मजनू शुभम और लास्ट में यहाँ पे रवि सैनी है ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी इफ अ मैन कैन डू अ वर्क W इन टाइम T देन इज पावर विल बी ठीक है बताएं जरा से अगर कोई वर्क करता है ठीक है कितने में यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को W वर्क करता है टाइम T में तो बताइए उसकी शक्ति P क्या होगी शक्ति हाँ जी शक्ति की यूनिट याद रखिएगा वर्ट होता है ठीक है हॉर्स पावर भी होता है कई बार पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं सात सौ छियालीस वोट होते हैं आपको याद रखना ठीक है सात सौ छियालीस वोट होते हैं आपको ये याद रखना बताएं जल्दी से सी ऑप्शन सही जाएगा यस बच्चा बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखेंगे कि पावर बराबर वर्क अपॉन में टाइम होता है ठीक है दूसरा फॉर्मूला यहीं से याद रखेंगे एफ वी कॉस थीटा भी होता ठीक है वेर वी इज योर वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एफ इज फोर्स ठीक है ये भी याद रखेंगे वर्क का दूसरा फॉर्मूला है है ना चलो भाई आंसर करते हैं यहां पे आपका शो रिजल्ट करते हैं, चल, 94%, हैं जी देखिए एक बार परसेंटेज देखिए नाइनटी फोर परसेंट आप सभी सही कर रहे हैं चलो एक्सपीरियंस बूस्टर सिद्धार्थ राहुल ज्योति ठीक है माई ड्रीम मजनू निशु ये सब यहाँ पे सही आंसर करके दिखा रहे हैं. अगला क्वेश्चन भाई हाँ जी ड्यूरिंग अ वुमेन्स लाइफ टाइम सी प्रोड्यूस्ड अबाउट एक महिला अपने जीवन काल में कितने जो है अंडे प्रोड्यूस कर देती है आप सब जानते हैं कि जो है औरतों को हर जो है हर महीने मासिक धर्म होता है ठीक है ठीक जब उन्हें मासिक धर्म होता है तो हर महीने वो अपने एक अंडे क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं कभी इस वाली ओबरी से कभी उस वाली ओबरी से दो ओबरी होती है ठीक है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट जब मासिक धर्म होता है ठीक है फर्स्ट को मैं कह सकती हूं कि क्या कहा जाता है मेनार के ठीक है मेनार के और जो लास्ट वाला होगा लास्ट मेंसेस को क्या कहते हैं मेनुपोज ठीक है मेनुपोज ठीक है हिंदी में इसे रजून वृत्ति रजून वृत्ति और इसे रजोदर्शन ठीक है अब देखो ध्यान से सुनो ये बातें हो गई है ना याद रखिएगा कि शुरू हो जाता है मान के चलते हैं बारह से ग्यारह से ले लो ग्यारह से चौदह साल तेरह लिख लो तेरह लिख लो ग्यारह से तेरह साल में ये शुरू हो जाता है और बच्चा यहाँ पे आपका पैंतालीस से पचास में इस साल में ये खत्म हो जाता है इस दौरान जो महिला है वो अपने कितने अंडे अपने शरीर से निकाल देती है तो याद रखेंगे कि से निकाल देती है। कितने निकाल देती है? 400 500 अंडे ठीक है? है तो आंसर यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शो रिजल्ट में पचास बच्चे सही है जिसमें से बूस्टा प्रीति अंश सौरभ सूरज चंचल सोलंकी शिल्पी मैम नीति गहलोत लैला और एस के चंद्र कौन है चंदा देव ठीक है चलो अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे हां जी डे ऑफ मेटल ऑफ फ्यूचर हाँ जी बताएं आपसे क्या कहा जा रहा है कि कौन सी मेटल है, कि हाँ पे है इसे ही यूज करेंगे ये हमारे भविष्य के धातु है ऐसी क्या खासियत है इसमें क्या स्पेशल है कि इसे हम इतना अच्छा नाम दे रहे हैं ठीक है एक आता है कि हम फ्यूचर आज जो है हाँ जी बिल्कुल आता है, फ्यूद, है, फ्यूचर फ्यूल ऑफ फ्यूचर भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले बताया था कि नॉन पॉल्यूटेंट गैस हाइड्रोजन को जलाने पर पॉल्यूशन नहीं होता है इसीलिए जो है हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या होता है वहां पर बच्चों आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को जलाने पर वहां पर नहीं होता दिस इज द रीजन अभी आपसे कहा जा रहा है कि metal of future किसे कहा जाता है? आंसर आएगा टाइटेनियम ऐसा क्या है मैम बच्चे याद रखिएगा पहली बात रस्ट नहीं लगेगा जंग बहुत कम लगने की संभावना है दूसरी बात बच्चों याद रखेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है देन स्टील ठीक है, स्टील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मत लिखो, और बहुत ज़्यादा है, ठीक है बहुत ज़्यादा हम कह सकते है, है, देन, देन, स्टील, स्टील से फोर्टी फाइव परसेंट हल्की है, 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 है इसीलिए इसे यूज किया जाएगा तो आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आएगा टाइटेनियम एटी सेवन परसेंट ताली बजा लो अपने लिए अपने लिए भाई बहुत शानदार बहुत शानदार आंसर यहाँ पे बूस्टा नीति एक्सपीरियंस अंश फोकस सौरभ और लास्ट में यहां पे हैं गगन सेन पहाड़ी प्रशांत नीतीश लखरा लेखराज मीना जय श्री राम ठीक है चलिए भाई आइएगा भाई अगले क्वेश्चन में आपके सामने विच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस इन एन ह्यूमन एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स बताएं भाई आपसे कहा जा रहा है कि भाई वयस्क मनुष्य हर 24 घंटे में पेशाब की मात्रा बताइए देखो बच्चों अब देखो सर्दियां आ गई है ठीक है सर्दी आ गई है आपको प्यास नहीं लगेगी आप यकीन मानिए आपको लगेगा अरे यार वी आर हाइड्रेटेड ठीक है लेकिन वो गलत है आपको लगता है सर्दियों में कम पानी पीने की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं जितने पानी की ज़रूरत आपको गर्मियों में थी उतनी ही पानी की ज़रूरत आपको सर्दियों में भी है आप मुझे बताओ क्या आप सर्दियों में आपकी लार नहीं टपकती है मोमोज देख के टपकती है तो इसमें भी पानी है क्या गैस्ट्रिक जूस नहीं बनता है बनता है इसमें भी पानी है क्या बाइल जूस नहीं बनता है इसमें भी पानी है क्या खून में प्लाज्मा नहीं होता है इसमें भी पानी है तो जब सर्दी गर्मी में हर चीज को पानी की जरूरत है तो इसका मतलब हमारे बॉडी को पानी की जरूरत है तो हमें पानी सर्दी में भी पीना है और गर्मी में पीना है और जितना पानी पियोगे ना तो मान लो तुमने मिठाई कभी ज्यादा खा ली है ठीक है कुछ खा लिया पानी ज्यादा पिया करो क्यों क्योंकि पानी के माध्यम से सारी चीजें बाहर चली जाएंगी एटलीस्ट डेढ़ यानी वन एंड हाफ लीटर यूरिन शरीर से पर डे दे निकाल देना होता है एट एनी हाउ ठीक है अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो बी uh, ऑप्शन आपका सही जाएगा नाइनटी परसेंट तो ये मैं मान के चलू कि नाइन्टी परसेंट बच्चे पानी पीते हैं है ना पानी इज डायरेक्टली प्रपोस्ड चलिए आंसर यहाँ पे है, अंकुश है बिजली है, पंडित है, पंडित सूरज सूरज इतनी पिटाई हो जाएगी ना तुम्हारी इतनी पिटाई हो जाएगी इतना दिमाग पढ़ने में लगा लिया होता सूरज ना तो आज स्टॉप कर जाते तुम चलो पापा की परी है पुष्पेंद्रा है और यहाँ पे अनूप रावत है ठीक है क्लियर है डन <laughs> चलो <laughs> <laughs> मैंने कहा था तुम अपने जीवन में फिजिक्स लाओ लेकिन इतना मत ले आओ है ना कि चीजों को ही इधर उधर कर दो पान इज डायरेक्टली टू टू दिस है? इस तू दिस है लव इज डायरेक्टली चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन है आपके सामने जल्दी से अब इसीलिए मैं कहती हूं भाई लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं लड़कियां ऐसी ऐसे कमेंट कभी नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती मैम क्योंकि उनके दिमाग में आएगा ही नहीं है है ना उनके दिमाग का जो एक बुरा वाला हिस्सा है भगवान ने उनके दिमाग में वो सेट ही नहीं किया है ठीक है वो जो होता है ना मैं कह सकती हूँ खुराफाती हाँ खुरा पाती आई डोंट नो आप लोग खुरा पाती समझते या नहीं समझते दिमाग में खुराफाती हिस्सा होता है जो बस बॉयज में ही सेट होता है गर्ल्स में सेट नहीं होता है वो ठीक है तो इसलिए गर्ल्स ऐसे कॉमेंट्स कभी नहीं करते हैं ये बॉयज ही कर सकते हैं

सकता फर्स्ट वेलोसिटी है नहीं हो सकता हमें देखना है पोजीशन एंड टाइम दिस इज पोजीशन दिस इज टाइम यानी दिस इज द राइट राइट एम आई राइट क्लियर है अब पता है तुम्हें तो इस सूरज ने ऐसे कमेंट कर दिए है कि पानी पीने में भी, भी वो सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। चलो खुरापाती दिमाग तुम हमें भी खुरापाती बना दोगे ठीक है चले भाई आ जाइए यहां पे आंसर है ऑप्शन ए ए ऑप्शन आपका सही है सेवेंटी सेवन परसेंट यहाँ पे ठीक है अंश बिजली कुनाल और लास्ट में यहाँ पे चेक में ठीक है ऐसे ऐसे प्राणी आते हैं हमारे क्लास में क्या ही बताएं चलो अगला क्वेश्चन है जल्दी से बताइए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है चलो भाई क्वेश्चन करो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन ह्यूमन बॉडी रक्त आपका ब्लड हार्ट यूरिन स्वेट। कहां पे यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे देखने को मिलेगी तो यस यू आर राइट बच्चा पार्टी हेयर इज राइट यस हेयर इज राइट यस, यस यस हेयर इज राइट ऑप्शन सी ठीक है है ना अभी मैंने क्या कहा कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर करो मतलब पानी पी के ठीक है पानी डायरेक्टली सही कहा बच्चे ने अब देखो यहाँ पे क्या है जब ज्यादा पानी पियोगे तो भाई बॉडी में यूरिया क्यों ही रुके बॉडी में यूरिया को क्यों ही रोक के रखना है ना तो यूरिया क्या होगा जो है बाहर चला जाएगा ठीक है बस वॉट डन भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों ही आ रहे हैं आज चलिए तो यहाँ पे आपका नाइनटी सही है <laughs> बूस्टा अंश शिल्पी मैम सौरभ बिजली ठीक है चलो क्लियर है है ना चले भाई आगे चलते हैं सूरज <laughs> मैं बहुत पिटाई करूंगी पूरे क्लास को तुम इधर से उधर कर देते हो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई प्राणी अगला क्वेश्चन आपके सामने है पढ़िएगा द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज द इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट मानो रक्त की मात्रा कुल भार कितना प्रतिशत है हां जी बताइए आपके बॉडी वेट का कितना परसेंट आपके बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है जल्दी से बताएंगे हाँ जी आपके बॉडी वेट का बच्चा कितना परसेंट होता है ब्लड आपके बॉडी में याद रखिएगा ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन पूछता है कि भाई ब्रेन कितने परसेंट होता है टोटल बॉडी वेट तो देखो जब भी तुमसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछेगा ना जब भी तुमसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछेगा बच्चा सीधा चिपका देना दो परसेंट होता है ठीक है दो परसेंट दो परसेंट आपके ब्रेन का भार होता है अगर आप टोटल बॉडी वेट से कंपेयर करते हैं तो अच्छा मैम ब्लड का कितना होता है ब्लड का कितना होता है ब्लड का याद रखिएगा दिस इज द सेवन परसेंट ऑप्शन ठीक है सेवन परसेंट किसका होता है मैम ब्लड का होता है सेवन परसेंट ऑप्शन सी ठीक है, है? बेबो बेबो आपके क्लास में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है भाई वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो जी हालांकि मैंगो तो अब सीजन ही नहीं है ठीक है इसे देख के लालिच करने का कोई फायदा नहीं है ठीक है बताए जल्दी से कि जो मैंगो है जो बहुत टेस्टी है अच्छा मैंगो में याद रखेगा मीठा होता है मैंगो मैंगो में मैलिक एसिड है मैंगो में मैलिक एसिड है याद रखिएगा बताएं जल्दी से आम का वैज्ञानिक नाम क्या है बॉस इंडिकस क्या है गाय हमारी माता है और हमें जो है सब कुछ आता है तो यहाँ पे जो गाय है याद रखिएगा गाय इंडिया में जो है इंडिया की बॉस है तो दिस इज द बॉस इंडिकस क्या है साइंटिफिक नेम ऑफ द काउ उसके बाद में यहाँ पे मैग्नीफेरा आपका इंडिका क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो हो जाएगा ठीक है तो आंसर यहाँ पे है आपका क्या ऑप्शन ऑप्शन बी मैम सही कर दीजिए 81 वन परसेंट इज राइट नीति अंश मजनू कलुआ और लास्ट में यहाँ पे है सुनील ठीक है क्या नाम है इनका सुनील एस के सुनील पी -ह. अच्छा चलो भाई अगला क्वेश्चन बताइए हाँ जी पूछा जरा नेम ऑफ द ऑर्गन दैट मेकअप द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन टू किडनी टू यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेटर ऑल ऑफ दिस क्या मिलके बच्चा पूरा का पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनता है जल्दी 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 क्या मिलके पूरा का पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनता है हां जी डी ऑप्शन सही जाएगा जल्दी से बना देती हूँ देखो बच्चों क्या होता है आप सभी जानते हैं इस इस प्रकार से ऐस, ऐसे नहीं होता कुछ ऐसी जो है दो किडनी आपके अंदर पाई जाती है ठीक है वा क्या किडनी है ठीक है बच्चे दो यूरेटर इस प्रकार से लगे होते हैं याद रखिएगा दो यूरेटर यूरेटर कहा जाते हैं देखो किडनी में यूरिन बनता है पर ये नहीं होता यूरिन उधर बना उधर शरीर से बाहर हो गया यहाँ पे एक ब्लैडर होता है ठीक है जिसमें क्या किया जाता है बच्चे जिसमें यूरिन को सेव किया जाता है ठीक है याद रखेंगे इसमें यूरिन को सेव किया जाता है और फिर क्या होता है यूरेथ्रा के माध्यम से ये मान लीजिए यूरेथ्रा है यहाँ के माध्यम से ऐसे यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है यहाँ के माध्यम से यूरिन को क्या किया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है इस तरीके से ठीक है भाई तो इसे क्या कहते हैं दिस इज द किडनी यानी किडनी भी हमारे एक्सप्रेटरी सिस्टम का हिस्सा है ये यूरेटर है ठीक है ये क्या है ये यूरेटर है यानी मूत्र वाहिका है हिंदी में दिस इज ब्लैडर ठीक है यूरिन ब्लैडर है ये दिस इज द ब्लैडर यूरिन ब्लैडर है और दिस इज द यूरेथ्रा ठीक है यूरेथ्रा तो ये जो है वन टू थ्री फोर मिला के पूरा का पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं ठीक है जी तो डी right. right ऑप्शन तो को सही बनाएंगे सही लगा देंगे अस्सी प्रतिशत मालक बहुत शानदार भाई बहुत शानदार ठीक है चलिए नीति बूस्ट एक्सपीरियंस माय ड्रीम केदारनाथ बिजली और लास्ट में यहां है मुस्कान सैफ ठीक है चलिए मुस्कान झूठी है अगले क्वेश्चन पे आई अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी गुर्दे की विफलता के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द किडनी फेल्यूर इट इज अ डायलिसिस इट इज अ किडनी ट्रांसप्लांट बोथ ए एंड वी हाँ जी किसी की किडनी खराब हो जाए ठीक है हालांकि किसी की किडनी खराब नहीं होना चाहिए बच्चों लेकिन इन एनी केस अगर वो अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखता है है ना जैसे मैंने कहा ज़्यादा पानी वानी नहीं पिएगा उसकी किडनी पे ज़्यादा लोड हो जाएगा तो किडनी खराब हो जाएगी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पानी पीने की भी जरूरत है टाइम टाइम से तो अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो द बेस्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा बहुत लोग आपसे सुना होगा कि भाई आप जो है क्या करो डायलिसिस करवा लो ठीक है बच्चा डायलिसिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आज डायलिसिस करवाते हैं देखो डिपेंड करता है कि पेशेंट की किडनी कितने परसेंट खराब हुई है किसी की फोर्टी होती है किसी की फिफ्टी परसेंट होती है आधा आधा बचा हुआ है मतलब उस तरीके से देखो मैंने बहुत तरीके के पेशेंट देखे हैं कुछ पेशेंट हैं जो हर हफ्ते जाते हैं डायलिसिस के लिए कुछ तरीके के पेशेंट हैं जिनको हफ्ते में दो बार जाना पड़ेगा डायलिसिस के लिए कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो महीने में एक बार जाते हैं ना इस तरीके से अपना डायलिसिस कराते हैं तो इस तरीके से डिपेंड ऑन कि कितनी उसकी किडनी खराब हो गई और कितनी काम कर रही है तो डायलिसिस यहाँ पे जो है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना किडनी ए अपनी किडनी जो खराब हुई उसे हटवा के नई किडनी लगवा लेना दिस इज दिस इज द गुड सॉल्यूशन यानी किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे गुड सॉल्यूशन माना जाता है किस लिए तो याद रखिएगा ओनली बी यानी डी ऑप्शन आपका सही जाएगा ओनली बी यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है चलिए तो बी वाला यानी ओनली बी किडनी ट्रांसप्लांट इज राइट यानी ओनली बी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है अब देखो यहाँ पे क्या किया है <laughs> <laughs> चलिए जी तो यहाँ क्या हो गया आपके साथ बताइए अच्छा तो आप खुद से बोल के बताओ आपके साथ क्या हुआ है हुआ क्या है बताओ जल्दी से हाँ जी क्या हुआ है तो क्वेश्चन पूरा पूरा क्वेश्चन देखा आपने लापरवाही का नतीजा ठीक है लापरवाही का नतीजा मतलब पूरा क्वेश्चन ना कह रहे मैम धोखा हुआ है गलत हुआ है गलत नहीं हुआ खेल गई है मैम अरे ऑप्शन चारों लिख के लाया है भाई चारों ऑप्शन दिख रहे हैं क्लियर हाँ और इसमें मैं क्या खेल गई हाँ जब आप क्या करोगे भावुक बहुत ज़्यादा रहोगे इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो ऐसी गलतियां होंगी ठीक है कह रहे मैम मोए मोए हो गया वही हुआ है ठीक है चलिए आज आ, जो आशीष राजपूत तो भाई आज जो है आज बिना टॉप टेन चेक किए ही आशीष भाई आज के विनर है बाद में हम टॉप टेन दिखाएंगे लेकिन विनर यहाँ पे आशीष हैं क्वेश्चन तो पूरा पढ़ रहा बच्चा चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से बताएं। जीवो के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है गेस्ट्रोलॉजी एग्रोमोलॉजी टॉमी या एग्रोलॉजी जल्दी से आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा जल्दी से आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है <laughs> क्या जाएगा भाई बी सी डी एनाटॉमी बिल्कुल किसी चीज को मतलब लाइक जैसे हम पढ़ते हैं ना बिल्कुल लाइक किसी भी चीज का एनाटॉमी करके उसको बिल्कुल कट करके अंदर एक एक नली के बारे में पढ़ना कि कौन सी नली कौन सी ट्यूब कहां से गई जैसे किडनी है किडनी को अगर हम पूरा अंदर से निकाल के उसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को उसके अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ें दैट इज द एनाटॉमी ठीक है तो यहां पे है सी ऑप्शन आपका सही जाएगा 88% आपका सही है बूस्टा अंश सूरज और लास्ट में यहाँ पे है दिव्यांशु ठीक है चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन है ठीक है बताएं यहाँ पे द होमोन यूज एज एन ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव ठीक है जो गर्भ निरोधक दवाइयां होती हैं ठीक है तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन होता है ठीक है कौन सा हार्मोन वहाँ पे यूज़ किया जाता है यस yes, बच्चे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया जाता है जैसा मैंने कह दिया है कि भाई देखो कभी भी गर्भ निरोधक दवाइयाँ शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं ठीक है हालांकि लोग लेते हैं सिचुएशंस में लेकिन दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑफ़ गर्ल्स ठीक है लड़कियों के महिलाओं के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है हॉर्मोन बिल्कुल इम्बेलेंस हो जाते हैं ठीक है, है? इससे जो है आपकी बॉडी में कुछ भी बीमारी हो सकती है आपको थकान रहेगी आपका मेटाबॉलिज्म बेकार हो सकता है आपकी स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे रिंकल्स झुरियाँ आ सकती है पिगमेंटेशन आ सकता है साथ साथ बच्चे कह सकते हैं हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स लेता है तो ठीक है तो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ राइट चलिए आंसर यहाँ पे आएगा आपका सी ऑप्शन करेंगे और 76 परसेंट आई एम गबर इज okay. बैक ओके नीति बूस्टा सूर्य सिद्धार्थ और लास्ट में है यहाँ पे अनुप्रिया ठीक है चले क्लियर है आगे चले हाँ जी आ जाइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी बताइए वे कौन से विटामिन हैं जिन्हें यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो वो खतरनाक हो सकते हैं देखो बच्चों हमें बहुत अच्छे से समझिए अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है जनरली आपने क्या सुना है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा देखो अगर आप कोई भी विटामिन मैं कोई यहाँ एक विटामिन का नाम नहीं जितने भी विटामिन मैंने आपको पढ़ाए ना आपके शरीर में अगर कोई विटामिन ज्यादा भी हो जाता है तो वो भी नुकसान कर जाएगा चाहे जाए विटामिन सी बी कोई सा भी विटामिन अगर वो आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक ही है अति किसी चीज के ठीक नहीं होती है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो बच्चों जो विटामिन बी है और सी है वही बात डायरेक्टली प्रोपोशन वाटर पीना इज डायरेक्टली प्रपोशनल टू दिस ठीक है तो जितना आप पानी पियोगे यूरिन पास करोगे तो बी सी अगर आपके बॉडी में ज्यादा भी जाता है तो यूरिन के माध्यम से मूत्र के माध्यम से यह बाहर हो जाएगा ठीक है बी और सी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा यह बात आप समझ गए लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है बच्चा जो फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक कीड़ा ठीक है अब ये तो मूत्र के माध्यम से बाहर नहीं जा रहा ये तो यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं जा रहा है ना तो जब ये यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं जाएगा बच्चों तो अगर ये आपके बॉडी में आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत जल्दी आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे और साथ में बच्चों याद रखिएगा कि आपको बहुत भयानक बीमारी दे जा सकते हैं ठीक है आपका फैटी लीवर हो सकता है ठीक है साथ में यहाँ पे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे हेयर फॉल की समस्या आ जाएगी है ना और में ज्यादा होने से हॉर्मोन भी इंबैलेंस हो सकते हैं है ना बहुत सारी सिचुएशंस वहां पे आ जाती हैं बहुत खतरनाक बीमारियां देखने को मिलती हैं तो आंसर यहाँ पे ए और डी आपका सही है बीस प्रतिशत बालक से ये नीति मजनू शिल्पी मैम समर निलेश अनुषैया प्रीति मिशन एपी वाला ठीक है चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए अगला है कि भाई हां जी आंसर करिए इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टाइम देन हाउ इज द ऑब्जेक्ट मूविंग यदि किसी वस्तु तो द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है ठीक है समय के समानुपाती है तो वो कौन सी जो है वो किस चाल से चल रहा है तो यू नो ना वो एक तरीके से कह सकते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ठीक है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ठीक है है ना अगर इस तरीके से वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस कवर कर रहा तो दिस इज द कॉन्स स्पीड ठीक है अब देखो यहाँ पे स्पीड तो है नहीं ऑप्शन में तो हम वेलोसिटी के साथ चले जाएंगे बट एक्चुअली अगर हम इसका इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो स्पीड ही आएगा क्यों मैम क्योंकि देखो बच्चों इस वाले रास्ते को तो हमें नहीं पता ना यहाँ स्ट्रेट तो नहीं बोला कि भाई हम स्ट्रेट रास्ते में जा रहे हैं अगर यही रास्ता सर्कुलर पाथ होता फिर यही रास्ता सर्कुलर पाथ होता तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती तो देर इज चेंज द वेलोसिटी है ना डायरेक्शन चेंज हो जाती इज चेंज द डायरेक्शन तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा दिस इज द द दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी समान जो है समान वेग ठीक है समान वेग यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा आपका जो है आ, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है ठीक है शो रिजल्ट में एट्टी वन परसेंट आप सभी सही हैं ठीक है अंश हिमांशु सर की शेरनी नीति और लास्ट में यहाँ पे है प्रीति सिंह ठीक है चलिए है ना चलो भाई आज है अगला क्वेश्चन भाई अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आ, अज, अजाइगोट विच हैज है है एन एक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू एक एक जिसमें पिता से अनुवांशिक में एक्स क्रोमोजोम मिला है बताइए हां जी आपको पता है यहाँ से क्या हुआ स्पम आया ठीक है स्पम और इधर से क्या आया इधर से ओबम आया आप जो स्पम है ये अपने साथ क्या लाया एक्स क्रोमोजोम लाया ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पिता के साइड से एक्स क्रोमोजोम आया है तो जो बेबी है वो बेबी गर्ल बनेगा या बेबी बॉय बनेगा आगे चल के तो यू नो ना बच्चा कि भाई जो मदर है ठीक है दस बार बताया मैंने और ये फादर है जो फादर है फादर एक्स वाई देते हैं और मदर एक्स एक्स देंगे अगर ये एक्स और एक्स दे रहे हैं दोनों एक्स एक्स ठीक है फादर ने एक्स दिया और मदर ने नेक्स तो देती है तो गर्ल हो जाएगी बेबी ठीक है और ये एक्स है ये वाई है तो ये बेबी क्या हो जाएगा बॉय ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक्स दिया है पिता ने तो वो क्या है गर्ल है ठीक है तो दिस इज द बेबी गर्ल है ना बी ऑप्शन बी ऑप्शन Sure result, 53 is right. मजनू, लैला यहां पे सही बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन जल्दी से। की कितनी है? Visual light, visual light कौन सी होती है you know ना होती है? एक प्रिज्म से इस प्रकार जब हम रे को क्रॉस कराते हैं तो मैंने आपको कहा था ये सात कार में विव ग्योर जो होता है इसी को विजुअल लाइट कहते हैं ठीक है तो जल्दी से बताइए कि जो विवग्योर है इसमें से बच्चों आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से बताएंगे कि इनकी जो है वेवलेंथ कितनी होती है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पे रेड की होती है ठीक है मैक्सिमम ज्यादा और मिनिमम यहाँ पे कम किसकी होती है वायलेट की कितनी होती है मैम कितनी होती है तो बच्चों यहाँ पे उनतालीस सौ अस्सी कितना हो जाएगा सेवेंटी सिक्स हंड्रेड एंगस्ट्रॉन्ग ठीक है है ना सी यस 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 तो सी यहाँ पे आपका सहीज जाएगा फोर्टी फोर अंश विजय बूस्टा और यहाँ पे पतू दादा ठीक है क्लियर चलिए भाई तो ये आज का आपका क्या है दिस इज योर होमवर्क ठीक है ये आपका होमवर्क रहेगा है ना PDF आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा है ना नहीं किया तो कल दिखा देंगे टेलीग्राम चैनल है ना और यहाँ पे टॉप टेन देख लेते हैं जल्दी से चले टॉप टेन यहाँ पे है फर्स्ट भाई नीति है सभी ताली बजाएंगे। आपके बीच में जो आपके बुजुर्ग स्टूडेंट हैं वो आए हैं फर्स्ट चलिए सेकंड भाई यहाँ पे तो भाई आज लड़कियां खुश हो जाएंगी क्योंकि लड़कियां बहुत दिन बाद सेकंड पे तो आते हैं लेकिन फर्स्ट पे बहुत दिन बाद आए हैं और थर्ड पे यहाँ पे स्टूडेंट जी है ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट है ठीक है चले भाई तो आंसर है तीनों बच्चों के लिए तालियां बहुत शानदार खेला सभी ने बहुत शानदार है ना चलिए 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 भाई बच्चे का बर्थडे हैप्पी बर्थडेपी बर्थे सुब्रात है ठीक है हैप्पी बर्थडे सुब्रात चलिए यहाँ पे है वैष्णवी है, है शिल्पी है सौरभ है और लास्ट में यहाँ पे है अनिल कुमार ठीक है नूर जहां मुकेश जाट ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं बहुत शानदार ठीक है टॉप टेन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नीति अंश और एक्सपीरियंस स्टूडेंट ये तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है आज के विनर है हीरो है बूस्टा वैष्णवी शिल्पी मैम के झलक सौरभ सिद्धार्थ खुशी अपंडित यहाँ पे टॉप टेन है तो आप सभी के लिए भी तालियां थोड़ी और मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे है ना साइंस की एक ही दवाई है भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई साइंस आपको बार बार इधर उधर से नहीं पढ़ना साइंस में आपको जस्ट क्या करना है एक घंटा चार से पांच बजे ही पढ़ना है है ना चलिए बाकी यहाँ पर बहुत जल्दी और भी क्लासेस मैं आपकी चलाऊंगी ठीक है है ना ए एल पी वगैरह एलपी ए एल पी की भी क्लासेस सोच रही हूँ कि मैं शुरू कर दूँ बहुत जल्दी और कुछ वैकेंसीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने आऊँगी अभी लगभग कितने बजे आऊँगी मैं मैं आऊँगी आपका पाँच पैंतालीस पर आऊँगी आपसे जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी अबाउट वैकेंसीज ठीक है तो सो आप सभी वहाँ पर आएंगे ठीक है अभी देख लीजिएगा नोटिफाई भी कर, कर लीजिए तो मिलते हैं आपसे पाँच पैंतालीस पर यहीं पर ठीक है बाय बाय टेक केयर